स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पैसिव वॉइस खत्म हो गए हैं, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, आज भी मैं वीडियो बना रही हूँ पैसिव वॉइस पर, आपको लर्न करवा रही हूँ पैसिव वॉइस पर। अब कौन से टाइप के बच्चे, 8 टाइप्स के भी पढ़ लिए, उनके अंदर जो एडवांस रूल आते हैं वो भी हमने लर्न कर लिए। बट मैम आप क्या, आपने मॉडल्स तो पढ़े ही होंगे, कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है? तो ये वाले मैं आज आपको बता रही हूँ, मस्ट, माइट, ये इसके भी पैसिव वॉइस होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप अब तक पढ़ते आए हो, तीनों टाइप के स्ट्रक्चर के सब पैसिव वॉइस में वैसे ही होते हैं। बस यहाँ मॉडल वर्ब हम बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम वहां पर बोलते थे, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह हम इनमें यूज करते हैं मॉडल वर्ब, और मॉडल्स वर्ब भी हम इनको बोलते हैं, और साथ में हम यूज करते हैं वी, ठीक है? तो देखते हैं कैसे, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है। बस मैंने अलग से सोचा, जब पूरा मैंने एक्टिव वॉइस आपको बता दिया है, पैसिव वॉइस आपको बता दिया है, तो क्यों ये, इसका भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए देखते हैं पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब, ठीक है? अब अफर्मेटिव की बात करते हैं, मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब आपको आता है, बस फटाफट से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इसमें यूज होती है एक्टिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में तो वही थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब इसका पैसिव वॉइस वही ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, यहाँ पर मॉडल वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब होती थी तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते थे, और उसके बाद बी, यानी मैं वहां पर बोलती थी कि मेरी दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि वर्ब दो है, एक मॉडल वर्ब, और उसके साथ हम लगाएंगे वी, वही दो पार्टी हो गए, बस मैंने नेम इनको दूसरा दे दिया, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है, और बाय द यूज करती हूँ सब्जेक्ट है तो वही हो गया, ठीक है? इसके बस हम इसको मॉडल वर्ब से कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही शुड हेल्प हर, ठीक है? उसे उसकी मदद करनी चाहिए, तो उसकी मदद करी जानी चाहिए उसके द्वारा, ठीक है? अब ही का क्या हो जाएगा, शी के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट तो आ गया, मॉडल वर्ब क्या, शुड, और उसके साथ बस बी लग जाएगा, और इसके बाद थर्ड फॉर्म बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही, हिम, शी शुड बी हेल्प बाय हिम। अब आई कैन हेल्प हिम, मैं इसकी मदद कर सकता हूं, ठीक है? तो हिम का क्या हो जाएगा, ही कैन बी हेल्प्ड, इसके बाद बाय का यूज करते हुए आई का हो जाएगा मी, उस मेरे द्वारा उसकी मदद की जा सकती है, इसका ये बनेगा सकती है, क्योंकि कैन मतलब सकना, कैपेबल जो बताता है, ये आपने मॉडल में पढ़ भी लिए होंगे, हम शुड कब यूज करते हैं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक बस है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना। एक और देखते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब इसमें हम मतलब 1%, 2% ही, हम मतलब मैं पूरा वर्ल्ड मतलब आ गया, हमें सबके लिए, एवरी ह्यूमन के लिए, मतलब एक ह्यूमिनिटी दिखाइए और किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, बोलते ना मानवता, उस टाइप से मैं बोल रही हूँ, हम मतलब सब आ गया। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, द पुअर्स, गरीबों की मदद करी जानी चाहिए, शुड बी हेल्प, मैंने यहाँ पर वाय अस नहीं लिखा, क्योंकि वाय अस मतलब पर्टिकुलर, हम जो इस रूम में है, या मेरे साथ कुछ 10 मेंबर्स है, मैं सब उनसे कह रही हूँ, उनसे नहीं, वी में सब, एवरी वन मतलब इंक्लूड, Everybody is included in this we, मतलब जितने भी लोग हैं उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो मैं यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, obviously लोग ही मदद करेंगे ना, people का sense आ गया, जैसे मैंने वहां people का बताया था ना, English बोली जाती है, तो मैंने वहां by people नहीं लगाया था, ऐसी में the poor should be helped by us नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें people का sense आ गया, ठीक है? और ज्यादातर ऐसे ही लिखा होता है, ये सब ज्यादा न्यूज पेपर वगैरह होते हैं, उसमें ये वाला जो शुड होता है ना, वो ज्यादातर एक्टिव वॉइस के बजाय पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए, ये अंडरस्टूड है, पीपल ही करेंगे। अब मैं इसमें नेगेटिव लगा देती हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं नेगेटिव लगा देती हूँ, यहां मैंने लिख दिया इसको नेगेटिव, अभी अब बात हो गई अफर्मेटिव की, अब मैंने यहां पर इसमें नेगेटिव लिख दिया है, अब इसमें कहां लगेगा नेगेटिव, मॉडल वर्ब के बाद, जैसे हेल्पिंग वर्ब में दो पार्ट होते थे तो बीच में लगता था, ऐसे इसमें लगेगा, ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब नॉट, यानी ही शुड नॉट हेल्प हर, शी शुड नॉट बी हेल्प बाय हिम, बीच में लग गया, आई कैन नॉट हेल्प हिम, ही कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय
मी। अच्छा इसमें मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं ऐसी लिख रही हूँ, वी शुड नॉट हेल्प द पुअर शुड नॉट बी हेल्प, इसमें मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, इसका सेंस जो है वो बहुत गलत हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि मैं पुअर्स की हेल्प, कहीं ऐसा सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, हमेशा आपको ये अफर्मेटिव में ही मिलेगा। तो इन दोनों से मैंने नॉट बना दिया है, कैन नॉट बी, शुड नॉट बी, इस टाइप से करते हैं। करते हैं नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, अफर्मेटिव नेगेटिव हमारे हो गए। इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। तो इधर हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल वर्ब आती है, तो किससे स्टार्टिंग होगी? मॉडल वर्ब, हमने नाम दे दिया है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एंड वाज वर होती थी, यहाँ पर उसकी जगह मॉडल वर्ब क्या होती है? कैन, कुड, शैल, शुड, इस टाइप से हम यूज करते हैं। तो मॉडल वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब में होगी, ठीक है, क्योंकि सिंगल इंटरोगेटिव है। तो मॉडल वर्ब, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वी जो उसके साथ लगता था, सब्जेक्ट के बाद जो चीज लगती थी वो आ जाएगी अब ऑब्जेक्ट के बाद, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय का यूज करते हुए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। देखते हैं, Should I buy this watch? क्या मुझे ये घड़ी खरीदनी चाहिए? क्या ये घड़ी खरीदी जानी चाहिए मेरे द्वारा? ठीक है, तो should का should आ गया। इसके बाद object क्या है? This watch, और इसके बाद be लग जाता है, ठीक है, passive voice में be। इसके बाद buy की third form क्या होगी? Bought by me। अगर आप यहाँ buy me लगाओगे तो भी चलेगा। Should this watch be bought? क्या ये घड़ी खरीदी जानी चाहिए? ठीक है, क्योंकि मैं अपने लिए ही पूछ रही हूँ, लेकिन by me भी यहाँ पर सही रहेगा। Should this watch be bought by me? तो ये आपके हो गए मॉडल वर्ब के साथ भी पैसिव वॉइस। मैंने कहीं से भी ट्राई किया है कि मैं हर जगह से आपको हर पार्ट पैसिव वॉइस का कवर करवा सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट कवर नहीं हुआ, तो आप मेरे मेल बॉक्स में मेल करें, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल करके मुझे बताएं, मैं वो पार्ट की सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगी। ठीक है, चलिए, हर पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है हमने, तो मॉडल वर्ब की भी क्यों, मॉडल वर्ब की भी करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मैंने यहाँ 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। सबसे पहले बोलना चाहूंगी, मेरी वीडियो को पॉज करिए, ये 6 सेंटेंसेस नोट करिए और खुद इनका पैसिव वॉइस बनाइए। इसके बाद मेरी वीडियो दोबारा प्ले करके इसको चेक करिए, जो मैं यहाँ बता रही हूँ कि आपका आंसर उससे मैच करता है। अगर हाँ तो आप सीख गए हैं, और अगर कोई भी 6 सेंटेंसेस आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं या कुछ भी आप मिस्टेक करते हैं, तो आप फिर से उसके रूल्स को पढ़िए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आई कैन आंसर द क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ। तो यह नहीं है, सॉरी, मैं क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, तो क्वेश्चन मेरे द्वारा आंसर किया जा सकता है, क्योंकि कैन मतलब सपना होता है, कैपेबिलिटी बताता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, यही पढ़ा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। द क्वेश्चन, इसके बाद कैन, मॉडल वर्ब आती थी और उसके साथ बी लगता था, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता था या नहीं, बताइए। कोई डाउट हो तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ कमेंट करिए। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय मी, वी हैव टू हेल्प हिम। हैव टू और हैज टू कब लगता है? अभी तक तो आपने हैज और हैव सिंपल पढ़ा है, जो परफेक्ट होता है, लेकिन यह परफेक्ट का काम नहीं कर रहा। हैज टू हेल्प टू मतलब जब भी हम पर किसी चीज का कंपल्शन होता है करने का, जैसे मैं ना तो यह शुड कह रही हूं हमें उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं, ये नहीं है। हैव टू मतलब हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, मतलब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कंपल्शन, चाहे कंपल्शन डालें किसी पर, जबरदस्ती किसी काम को हम करवाते हैं, जैसे यू हैव टू डू दिस वर्क, ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, कैसे भी करना ही पड़ेगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ये काम करने के अलावा। तो किसी पर कंपल्शन डालना उस चीज का, वी हैव टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो उसकी मदद की जानी चाहिए, करनी पड़ेगी, उसकी मदद हमारे हमें करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा। तो हिम का क्या बन जाएगा? ही, और ही के साथ तो हैज टू लगेगा, हैड टू नहीं लगेगा, सिंगुलर है। ही हैज टू बी, हैज टू बी को हम अलग नहीं कर सकते हैं, एक तरह से आप मान लीजिए ये प्रोपोजिशनल फ्रेजेस वाला केस फॉलो कर रहा है। ठीक है, ही हैज टू एक ही है, ही हैज टू बी हेल्प्ड,
बायस, ये थोड़ा डिफरेंट है, जरूर इसे देखिए एक बार, कहीं भी डाउट हो तो अभी कमेंट करके मुझसे पूछिए। जज शुड पनिश यू, जज को तुम्हें पनिश करना चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा, यू शुड बी पनिश्ड। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ वाय जज ही लिखा, लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि पनिशमेंट जज के द्वारा दी जाएगी, क्योंकि देखिए, और सबसे ज्यादा ये यूज पता है कभी भी ऐसे नहीं होगा, जस्ट शुड पनिश यू, हमेशा आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल या कोई न्यूज चल रही हो, यू शुड बी पनिश, सपोज कोई कल्प्रिट है या किसी को भी पकड़ा, तो हम लोग आपस में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, यस ही शुड बी डेफिनेटली पनिश्ड। तो हम कभी बाय का यूज नहीं करते, बाय जज, ऑब्वियसली कोर्ट में जाएगा, जजमेंट होगा, जज फैसला करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जज के लिए आप समझ जाइए, अगर कहीं पनिश और नहीं है तो जज के द्वारा, यू शुड बी पनिश। अच्छा वैसे टीचर भी पनिश करता है, टीचर, अब मैं कुछ, दिस स्टूडेंट शुड बी पनिश, तो उसमें जज नहीं होगा, दिस स्टूडेंट शुड बी पनिश, आपसे बोला जाए इसका एक्टिव पैसिव बनाओ, आप क्या ये बनाओगे, जज शुड पनिश स्टूडेंट, नहीं, ऑब्वियसली स्टूडेंट को कौन पनिश करता है, टीचर, ठीक है, तो टीचर शुड पनिश दिस स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंस समझिए, दोनों का डिफरेंस है, यू शुड बी पनिश्ड। Why could he not read this sentence? वह sentence क्यों नहीं पढ़ सका? यह sentence उसके द्वारा क्यों नहीं पढ़ा जा सका? देखिए यहाँ भी जो voice है वो जाने की गई नहीं है, या go की voice यहाँ भी आ रही है, passive voice का मतलब ही यही है, तो why? इसके बाद could, क्योंकि helping verb का use होता है, यहाँ पर helping verb का हमने नाम क्या दे दिया, modal verb, क्योंकि different type की verb होती है, why could, इसके बाद ऑब्जेक्ट, दिस सेंटेंस बी, अच्छा अब लेकिन यहां तो नॉट भी है, व्हाई कुड दिस सेंटेंस, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है यहां, तो यहां पर कहां लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद, व्हाई कुड दिस सेंटेंस नॉट बी रेड, स्पेलिंग बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा, व्हाई कुड दिस सेंटेंस नॉट बी रेड बाय, अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो, ठीक है। अब ये हो गया, आपको जहां भी डाउट है आप वही मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल करिए, मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बनाने को बिल्कुल रेडी हूँ, बस आपको समझ आना चाहिए। कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो, ये काम तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है, पूछ रही हूं मैं, तो कैन का कैन सिंगल इंटरोगेटिव, इसके बाद क्या यूज होता था, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से तो स्टार्ट ही हुए, हेल्पिंग वर्ब आई गई, इसके बाद सब्जेक्ट होता था, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, कैन दिस वर्क, फिर इसके बाद बी, बी लगाना मैं कहीं भूली तो नहीं हूं, जरा देखो, नहीं भूली, कैन दिस वर्क बी डन बाय, वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, तो आवर एल्डर्स मस्ट बी, यही होता है, मस्ट के साथ भी मॉडल वर्ब है, बी लग जाएगा, बी रेस्पेक्ट, बायस की जरूरत नहीं है क्योंकि वी में हर कोई आ गया, सबके लिए ये एडवाइस दी गई है, एडवाइस कह लो, ऑर्डर कह लो, या फिर एडवाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, क्योंकि मस्ट हम वही यूज करते हैं जो स्ट्रॉन्ग कोई चीज होती है, कि करना ही चाहिए, शुड से भी स्ट्रॉन्ग होता है, वी आवर एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, अब ऑब्वियसली हम ही करेंगे ना, सबके लिए, जो सबके जो एल्डर्स है पूरी दुनिया में, उनके लिए बोल रहे हैं, एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, अवर एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, इसलिए यहाँ पर हम वायस नहीं लिखेंगे, हमें लिखने की जरूरत। तो अब आपकी हर तरह के पैसिव वॉइस हो चुके हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो और एनी अपडेट, विल मीट यू नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।